फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ चने की चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन आएगा उसे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ मैं चने का चाट बनाने वाली हूँ। और देखिये बहुत ही बढ़िया चने का चाट बन के तैयार हुआ है। तो स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी और देख लेते हैं कि चने का चाट किस तरीके से बनाया है मैंने। चने की चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप के करीब चने ले लिए हैं और इसको मैंने रात भर पानी में भिगो लिया था, तो ये बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। और यहाँ पर एक कप पानी लिया है। सबसे पहले हम इसे बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है और इसमें ये चने डाल देंगे, साथ में जो हमने एक कप पानी लिया है वो डाल देंगे। एक चौथाई चम्मच नमक डालेंगे, और मीठा सोडा डालेंगे एक चौथाई चम्मच का भी आधा, तो बहुत ही थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे। और इसमें अब सीटी लगा लेते हैं 3 से 4, जब तक कि चने हमारे बहुत अच्छे से बॉईल नहीं हो जाते, तो 3 से 4 सीटी लगा लेते हैं इसमें। 3 से 4 सीटी लगाने के बाद चने हमारे बॉईल हो चुके हैं और थोड़े ठंडे भी हो चुके हैं। और देखिए बहुत अच्छे बॉईल हुए हैं चने हमारे। तो इस स्टेज तक चने को हमें बॉईल करना है कि आराम से ये दब जाए। अब इसमें थोड़ा सा भी जो पानी है उसमें चने अलग कर लेते हैं और पानी को अलग कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर पानी अलग कर लिया है और चने अलग कर लिए हैं। साथ में यहाँ पर मैंने एक छोटा प्याज लिया है, बारीक काटा है मैंने इसे, थोड़ा सा हरा धनिया इसे भी बारीक काटा है, हरी मिर्च एक ली है, तो यहाँ पर आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं हरी मिर्च। और एक छोटा टमाटर लिया है जिसका मैंने पल्प निकाल कर काट लिया है बहुत ही बारीक। एक मसाला है मैजिक लिया है मैंने यहाँ पर मैगी का, और इसमें से हमें आधा चम्मच मसाला चाहिए। आधा नींबू का रस लिया है और थोड़ा सा काला नमक लिया है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो चने हमने लिए हैं इसमें सारी चीजें डाल देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम रख लेंगे ताकि इससे गार्निश कर सके हम, सभी चीजें थोड़ा थोड़ा रख लेंगे। काला नमक डाल लेंगे, नमक हमने पहले भी यूज किया हुआ है तो नमक थोड़ा ध्यान से डालेंगे। और लास्ट में हम आधा चम्मच मैगी मसाला या मैजिक डाल देंगे, क्योंकि इसमें भी नमक होता है इसलिए नमक हम थोड़ा ध्यान से ही डालेंगे। और ये मैगी मसाला डालने से जो चाट है इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। और साथ में आधा नींबू का रस डाल देंगे और डालने के बाद सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ये हमारी चने की चाट बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छी तरीके से मिला लिया है, अब इसमें हम सर्व कर लेते हैं। यहां पर मैंने बाउल में निकाल लिया इसे। निकालने के बाद यहाँ पर जो हमने थोड़ी थोड़ी सारी चीजें रखी थी इसे हम गार्निश कर लेंगे, तो थोड़ी थोड़ी सारी चीजें हर जगह हम फैला के रख डाल लेंगे, तो जो कि चाट भी हमारा जो है देखने में बहुत ही बढ़िया सा लगे। तो देखिए इस तरीके से हम टमाटर को फैला लेंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया, और लास्ट में हम प्याज डाल लेते हैं। तो ये हमारा चने का चाट बनके तैयार हो गया है। लास्ट में इसमें हम मैगी मसाला ये स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा, तो मैंने इसे एक छोटे बाउल में निकाल लिया है और ऐसे हम लेके इसके ऊपर डाल लेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है और भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर मैंने मैगी मसाला डाल लिया है ऊपर से, चारों तरफ अच्छे से डाल लेंगे।
यहाँ पर मैंने लाल मिर्च के पाउडर का यूज नहीं किया, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा चने का चाट बन के तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी है, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए चने का चाट। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए कि ये चाट की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में, धन्यवाद।